subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. सुलग रही है धड़कने जल रही ये सांस भी कोई हमदम ना हम कदम नमी है कहती आंख के दिल से धुआं उठ रहा है कह रहा है खफा है कोई कोई सपना मन भरा है जुदा है कोई रो रहा है दिल आजकल रो रहा है दिल आजकल। आयशा का पता चला? नाम मत लो आयशा का, पता नहीं कहां छुप के बैठ गई यार। अब अकार से पूछूंगा तो बिला वजह पकड़ा जाऊंगा। अच्छा होता किसी गाड़ी के नीचे आके मरी जाती, मेरी जान छूट जाती है। अरे तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है बीबी, जो कुछ हो रहा है ना मैं सब समझती हूँ, सदियों से होता हुआ आ रहा है। तुमने जाके किसी के साथ अच्छा वक्त गुजारा होगा और उस अच्छे वक्त की कीमत तुम्हें मिली है जो तुम्हारे हाथ में है, इतना खूबसूरत सा महंगा सा फोन, माशाल्लाह एक ही रात में। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारा वक्त इतना कीमती है। क्या बात है, वाह। अरे बेबी, शादी की तैयारियां तो खूब चल रही है यहाँ, रात भर ढोल और म्यूजिक तो खूब बज रहा था, मजा आया होगा। अरे तुम इतनी खौफजदा क्यों हो मुझसे? खौफजदा नहीं तो, वो कल जोया बीबी पराए घर चली जाएंगी इसीलिए उदास हूँ, और तो कोई बात नहीं। आजकल दाऊद साहब भी बहुत डिप्रेस रहने लगे हैं, बिला वजह बिला फजूल, इसीलिए मैं उन्हें अपने पास से एंटी डिप्रेशन की दवाई दे रही हूँ ताकि वो हशाश बशाश रहें। हाँ हाँ ठीक कर रही हो, दवाई के बारे में तुमसे बेहतर कौन जान सकता है, आखिर नर्स जो हो, मुझे क्या, मैं तो बस यहाँ झाड़ू पोछा करती हूँ और अपने काम से काम रखती हूँ सिस्टर। बस यही कहना चाहती थी तुमसे, अपने काम से काम रखो, ज्यादा मुँह खोलना और इधर उधर रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है, वरना हुमायूं सर से कह के तुम्हारी 2 मिनट में छुट्टी करवा दूंगी। बहुत लड़कियां हैं मेरे मोहल्ले में जो इस कोठी में काम करने के लिए खुशी खुशी आ जाएंगी। चलो दूध उबल गया है, मेरे लिए अच्छी सी चाय बना के लेके आओ, समझ गई? वाओ कितना खूबसूरत कार्ड है जिब्रान, देखो। क्या? हुमायूं वेड जोया। वाओ वाओ भाई, सारे ऑफिस वालों को फैमिली के साथ बुलाया है। वैसे तुम्हें ये जोड़ी अजीब सी नहीं लग रही? मैंने सुना है जोया एक बिगड़ी हुई रईसजादी है और हुमायूं ने अभी अभी स्टार्ट लिया है, कोई पुराना अमीर ज्यादा तो है नहीं वो, क्या घर दामाद बनने जा रहे? हमें इससे क्या, बस तुम ना शादी में चलने की तैयारी करो। हेलो। हाँ फरीदा, मैं बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। आपने आज फोन कैसे कर दिया? आपकी तो बेटी की शादी है, 1000 काम हो गए आपके पास। हम गैर अहम लोगों के लिए आपको वक्त कैसे मिला? अरे फरीदा कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम गैर अहम होती तो क्या मैं तुम्हें फोन करता? तुम गैर अहम नहीं हो। बस बस अब मैं और कुछ नहीं सुनूंगा, तुम सब काम छोड़ो और फौरन यहाँ आओ। जोया को तुम्हारी बहुत
बहुत जरूरत है। भाईजान, जोया की बात ना करें, वो तो हवाओं में उड़ रही है। आसमान से नीचे नजरें नहीं उतरती उसकी। ख्याल कीजिएगा, एक ही झटके पे ना जमीन पे ना गिरा है। फरीदा प्लीज, देखो मैं तुम्हारा गुनहगार, तुम जो कुछ कहना चाहते हो मुझे कहो, लेकिन मेरी बेटी को प्लीज, मेरी बेटी को इस तरह मत कहो। अरे आपकी बेटी के बारे में कुछ कहा तो आपको बुरा लगा, कलेजे में टीस उठी। तो मेरा आहत, क्या वो मेरा बेटा नहीं है? मुझे दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी। आपको क्या एहसास नहीं हुआ कैसे लगता है जब किसी के बच्चे को दुख होता है? भाई मुझको माफ कर दो फरीदा, प्लीज माफ कर दो। हाँ गलती हो गई हमसे। देखो अगर तुम यहाँ पे नहीं ना आई, मैं तुम्हारे घर के सामने आकर धरना दे दूंगा, और तब तक वहां बैठा रहूंगा जब तक तुम मेरे साथ नहीं आओगी। मगर भाईजान, बड़ी मुश्किल में डाल रहे हैं आप मुझे। देखो फरीदा, कोई अगर मगर नहीं चलेगा, तुम्हें आना है हर हालत में। अगर तुम नहीं आई तो जोया का निकाह नहीं होगा। अरे मैं तो सोच रही थी कि तुम्हें ये काम नहीं आता, लेकिन तुम तो काफी ठीक ठाक नेल फाइलिंग कर रही हो, कहीं से सीखा था क्या तुमने? जी, कोर्स किया था मैंने, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि ये काम करना पड़ जाएगा, बस यूं ही शौकिया। अच्छा देखे, इनमें से कलर कौन सा लगाएंगे आप? सूट किस कलर का? अच्छा वैसे कौन था जिसने तुम्हारे साथ इतना जुल्म किया? जुल्म तो किसी ने किया है, कोई औरत ना ऐसे बैठे बैठे गाड़ी के सामने अपनी जान देने के लिए तैयार नहीं हो जाती। बताओ क्यों छुपा रही हो तुम? पाकिस्तान में कि बाहर चला गया है? ये कलर कितना अच्छा लग रहा है आपके हाथों। वैसे पढ़ी लिखी लगती हो, कहां तक पढ़ी हुई हो तुम? बीए किया है मैंने, वक्त साथ देता तो शायद कुछ बनी जाती। खैर छोड़े, अब बेगम साहब आपने किस टाइम जाना है? आहत भाई कह रहे थे कि मैं भी साथ चलूं। आहत की तो बात ही मत करो, पागल है वो बच्चा मेरा। हया जा रही है ना, काफी है, तुम घर पे ही रहो, वैसे भी तुम्हारी तबीयत कौन सी सही रहती है। खामखा तुम वहां जाओगी तो सीन क्रिएट होगा, जल्दी आ जाऊंगी, तुम बस आराम करो यहाँ पे। चलो जल्दी खत्म करो, मैंने तैयार भी होना है।
वो ऑडिट की रिपोर्ट का क्या हुआ, कोई गड़बड़ तो नहीं है? ऑल सेट बॉस, कोई गड़बड़ नहीं। एक बंदा थोड़ी सी गन घोल रहा था, काबू पा लिया उसने, बहुत ईमानदारी दिखा रहा था। असद फिरोज की बहन। असद फिरोज को तो भूल जाओ, याद भी मत किया करो उसे। ये जो निकाह है ना, मैं सोच रहा हूँ आज हो जाना चाहिए, पता नहीं मुझे फील आ रही है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। तुम एक काम करो, तुम दो टिकट इस्लामाबाद की बुक करा दो। दो टिकट्स, राइट। कब की करवानी? शादी के अगले दिन की। यार मैं नहीं चाहता कि रुखसती के बाद जो एक किसी और से भी मिले, कम से कम एक हफ्ते तो ना मिले, उसका ब्रेन वॉश करना बहुत जरूरी है। अब जल्दी करो ना, खड़े क्या हो? ऑल ऑल डन, ऑल डन। अब मायू में भी जाना है। एक्सक्यूज मी, आज सिर्फ जूस? हमेशा मुफ्त पियो गया, कभी तो ले आए कर यार, जल्दी तैयार हो जा। हेलो मरियम, कहाँ हो तुम, आई क्यों नहीं? मैंने तुम्हारे लिए चीजें भी भिजवाई थी, कपड़े जूते सब कुछ, फिर भी तुम नहीं आए। मेरी तबीयत कहाँ ठीक रहती है जोया, बुखार सा हो रहा है। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम आओगी, तो मुझे वाकई में लग रहा था कि इस वक्त मेरे सारे अपने मेरे साथ होंगे, लेकिन तुम नहीं आई ना, अब तुम मुझसे बात भी मत करना। अच्छा तुम खफा मत हो, ड्राइवर भेजो, मैं जरा सी देर के लिए आती हूँ। बस ठीक है, जल्दी आओ, मैं वेट कर रही हूँ। हुमायूं कहाँ होगा? काश वो आज मुझे देख सकता कि मैं कितनी अच्छी लग रही। शायद मुझे बेटा होगा, हो सकता है कि हुमायूं आप पछता रहा हो। मैंने एक दफा उनका ऑफिस भी देखा था, वहां जाकर पूछूंगी या आहत से बात करती हूं। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेबी किधर चली गई है? ओ आप कुछ ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही फरीदा, क्या बात है? मायों पे आए हैं या खुदा ना खास्ता किसी के सोयम पे? इससे तो अच्छा था आप ना ही आती। मेरे भाई का घर है, मेरी भतीजी की शादी है, आऊं ना आऊं, किस मूड में आऊं, मेरी मर्जी है, तुम कौन होती हो बोलने वाली? और अपने आप को देखा तुमने, बेवा हो, छम्मक छल्लो बन के बाहर जा रही हो। अच्छा रंग तो आपने भी बहुत भड़कीला और शोक पहना हुआ, जबकि आहत के अब्बू तो कब से फारिग हो चुके हैं। चलिए इसी बात पे ना आप एक लड्डू खाएं। आपका मुंह बंद होगा तो माहौल भी थोड़ा खुशगवार होगा।
क्या बकवास देख रहे हो यार? ये बकवास याद नहीं है यार, तुम्हारी शादी होने जा रही है, शादी का गाना लगा हुआ है। तुम्हारी शादी खासे ऊंचे घराने में हो रही है हमारे। देखो जोया अच्छी लड़की है, मैं चाहता हूं कि तुम उसकी कदर करो, और पुरानी गलतियां आयशा वाली गलतियां अपना दो। किस्मत ने तुम्हें गोल्डन चांस दिया है। अरे मैंने बनाए अपने चांस खुद, कुदरत के फैसले भी अजीब होते हैं। किसी को सोने के चमचे में निवाला बना कर देता है और किसी को बिल्कुल भूखा नंगा। खैर एक बार मेरा निकाह हो जाएगा, जिंदगी गुजार है फिर। क्यों हंस रहे हैं, अपनी बात कर, चले बंद करो, चलो जल्दी आओ। हाँ मैं हूँ जेलस, मैं जलता हूँ उससे। क्यों ना जलूँ मैं उससे? बचपन में हर गाने में तुम्हें तो हीरोइन रखा मैंने। रो रहा है दिल, कैसी हो सोया? बहुत मिस कर रहा हूँ तुमको यार, आ रहा हूँ तुम्हारे पास। मायू आप आज यहाँ नहीं आ सकते, ये हमारी मैं। क्यों नहीं आ सकता मैं? मैं फिर तुम्हारी जरूर होगी, लेकिन तुम तो मेरी हो ना, मेरा तो आना बनता है। मैं आ रहा हूँ जिब्रान के साथ दो मिनट में। हुमायूं
कहां गई है दोनों? कहां गई वो लड़की? वो बाजी को उल्टिया लगी थी, उनकी तबीयत खराब हो गई, बस आ रही होंगी, सही हो गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा था ना मत आओ यहाँ पे। किसके साथ आई हो? आहत लेके आया तुम्हें? नहीं नहीं बेगम साहिबा, वो सोया ने ड्राइवर भिजवा दिया था। फौरन ड्राइवर के साथ घर वापस जाओ और पीछे के दरवाजे से जाना ताकि आहत और जोया तुम्हें रोके ना। मैं नहीं चाहती यहाँ पे कोई भी तुमसे फजूल बातचीत करे। चलो निकलो यहाँ से। जी बेगम साहिबा, मैं अभी चली जाती हूँ। आप मेरी खातिर अपना मूड ना खराब करें। अरे तुम इतनी अहम नहीं हो मेरी जिंदगी में कि मैं तुम्हारी वजह से मूड खराब करूंगी। तुम्हें आहत की वजह से तुम्हें बर्दाश्त करती हूँ। अब चलो जाओ यहाँ से। जी बेगम साहिबा। देखो तो सही कि जाती भी कि नहीं, पता नहीं यहाँ पे चिपक ही ना जाए। क्या करोगे इन फूलों का? बचपन की तरह दूध में डाल के उबालोगे और कोशिश करोगे कि रबर बन जाए, है ना? याद है बचपन में एक दफा पिंकी खाला ने हमें टास्क दिया था, हम गुलाब की पत्तियां दूध में उबालते रहे उबालते रहे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सारी मेहनत जाया हो गई। क्या थे? बिल्कुल उसी तरह जैसे सारी जिंदगी में एक नाश सच होने वाला ख्वाब देखता रहा। ऐसा ख्वाब
जिसकी ताबीर सिर्फ मायूसी के सिवा और कुछ भी नहीं। लेकिन ऐसे ना ताबीर आने वाले ख्वाबों से मुझे मोहब्बत है सोया। तुम जाले सोनो, चलते हो मायूस से। बोलो, चलते हो ना? इसीलिए तुम एक मर्तबा भी हमारे पास नहीं आए, एक पिक्चर तक नहीं खिंचवाई तुमने। बोलो, जलते हो उससे? हाँ, मैं हूँ जलस, मैं जलता हूँ उससे। क्यों ना जलूँ मैं उससे? बचपन में हर गाने में तुम्हें तो हीरोइन रखा मैंने। दिली दिल में तुमसे तो रोमांस किया मैंने। दिल से पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं जानती हूँ जो फैसला गलत है, फिर भी वही फैसला करती हूँ। ऐसी ही हूँ मैं। इसीलिए तो मुझे बहुत अच्छी लगती हो ना, सबसे अलग हो ना तुम। नफरत करती हूँ तो जी भर कर, प्यार करती हूँ तब भी जी भर कर, और इस वक्त मुझे तुम पर बहुत प्यार आ रहा है। लो रहा है दिल, रो रहा है दिल आजकल, रो रहा है दिल आजकल, रो रहा है दिल आजकल। तुम्हें याद है तुमने मुझे एक आर्टिफिशियल रिंग दी थी? एस बना हुआ था उसके ऊपर। मैं लाहौर में हर वक्त पहन के रखता था उसे। टाइट हो गई थी थोड़ी सी, दर्द भी होता था, लेकिन फिर भी हर वक्त पहन ही रखता था। प्लीज इसे दूर ले जाओ मेरे से, शायद मेरा दर्द कम हो जाए इसी तरह। प्लीज ऐसे मत बोलो, बहुत बुरी हो, बहुत बुरी। खुप्पो की नफरत में आकर मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा, मैं जानती हूँ इस बात को। कि मैं क्या करूँ, मैं ऐसी हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं जानती हूँ जो फैसला गलत है, फिर भी वही फैसला करती हूँ। ऐसी ही हूँ मैं। इसीलिए तो मुझे बहुत अच्छी लगती हो ना, सबसे अलग हो ना तुम।
नफरत करती हूँ तो जी भर कर, प्यार करती हूँ तब भी जी भर कर, और इस वक्त मुझे तुम पर बहुत प्यार आ रहा है। उस वक्त जब मेरे निकाह में चंद घंटे बाकी है बस, मुझे लगता था कि आहत का क्या है, वो तो हमेशा स्टैंड बाय पे है मेरे लिए। आहत है ना, बात तो मेरा ही है। आहत तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही है सोया। शादी खत्म कर दो ना प्लीज। देखो हम कहीं तुम कहीं दूर भाग जाएंगे, अफ्रीका के जंगलात में, बर्फ ढके पहाड़ों पे। तुम काले बनना और मैं भेड़े चराऊंगा। प्लीज प्लीज तुम्हारी नहीं हूँ। हाया कॉफी ले आई हो? तुम्हें पता है ना, जब तक मैं कॉफी नहीं पीती आंखें नहीं खुलती मेरी। तुम? जी वो हया वापस लाहौर चली गई है, कह रही थी कि वहां पहुंच के आपको कॉल करेगी। अच्छा क्या चली गई? आहद ने इतनी बेइज्जती की, उसकी बेहतर है घर ही चली जाए। आप लोग काफी देर से आए थे कल रात, और मुझे मालूम है कि आप लोगों की नींद पूरी ना हो तो सर में दर्द होता है, इसलिए मैं कॉफ़ी लेके आई हूँ आपके लिए। अच्छा अच्छा बना लिए, पी लूँगी, छोड़ दो अभी फिलहाल। वो मैं आपके कंधे दबा दूँ? कल की तकरीब कैसी थी? सोया तो बहुत खुश होगी। मेरा दिल मत चलाओ, मेरा बेचारा मासूम बच्चा, उसकी शक्ल देखने वाली थी, दिल टूट गया है उसका। तो मैं अपने भाई की वजह से ना चुपचाप बैठी रही वहां पे। नसीब का लिखा हुआ तो कोई भी नहीं डाल सकता। जोया को हमारी दुआओं की बहुत जरूरत है। आप आज रात के कपड़े निकाल दें, मैं प्रेस कर देती हूँ आपके लिए। सुनो, तुम्हारे वहां आ जाने की कोई जरूरत नहीं है, हाई सोसाइटी आ रही होगी, मैं तुम्हें कैसे इंट्रोड्यूस करूंगी उनसे? कल आ गई थी, काफी है, आज ये गलती नहीं करना, ठीक है ना? जाओ, मैं कपड़े दे दूंगी तुम्हें बाद में। जी आप फिक्र मत करें, मैं घर पे ही रहूंगी। चक्कर है, खाना पका रही है, कॉफी पिला रही है, कंधे दबा रही है, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा है इस लड़की के बारे में क्या एजेंडा है इसका। मैं ऐसी हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं जानती हूँ जो फैसला गलत है, फिर भी वही फैसला करती हूँ, ऐसी ही हूँ मैं। इसीलिए तो मुझे बहुत अच्छी लगती हो ना।
सबसे अलग होना था। नफरत करती हूँ तो जी भर कर, प्यार करती हूँ तब भी जी भर कर। आहद है ना, वो तो हमेशा संभाई पे है मेरे लिए। आहद तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही है आहद। सोया शादी खत्म कर दो ना प्लीज। बेबी बाहर दिख रहा बारात आई है या नहीं आएगा। हेलो दुल्हन, तुम तो विदाई से पहले ही विदा हो गई हो यार, अभी से अपने दूल्हा के ख्यालों में खोई भी हो। हाँ तू तो मुझे अभी इतना बताओ कि निकाह में कितना टाइम है। बस बारात आने ही वाली है, लेकिन तुम्हें एटलीस्ट 10 बजे तक सफर करना पड़ेगा। और अगर वेट ना कर सकूं तो अला बाहर। मैं आहद से प्यार करती हूँ, मैं हुमायूं से शादी नहीं कर सकती। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जोया, पागल हो गए हो क्या? गेस्ट आ चुके हैं, बारात चल पड़ी है, अंकल खुद दरवाजे पे गेस्ट को रिसीव कर रहे हैं। आहद कहाँ है? बाहर है, वही तो सारा रिसेप्शन मैनेज कर रहा है। जोया आखिर हुआ क्या है? मुबारक हो, खुशी का दिन तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। आखिरकार ये बाजी मैं जीत ही गया। सोया मेरी हूं बाजी, मुझे तो लगता था शायद तुम बाकी जोया से मोहब्बत करते हो, लेकिन तुम तो हार जीत की बाजी लगाए बैठे थे। वही अच्छा होगा कि तुम जोया से दूर। रिश्ता है प्यार का।